नमस्कार साथियों, आज हम तकनीकी मूल ज्ञान टेक्निकल बेसिक्स में जो विषय ले रहे हैं, हमारा तीसरा विषय है कि हम मोबाइल से कैसे स्कैनिंग करें ताकि वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल बन जाए, उसका ताकि हम आसानी से उसका ट्रांसफ़र कर सकें, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू, और या हम उसको मोबाइल से कंप्यूटर पर कैसे अपने सेव कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो ई ऑफिस से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है, जहाँ सब काम पीडीएफ बेस्ड ही है, मतलब ये जनरल टेक्निकल टॉपिक होने के साथ साथ मेरे ई ऑफिस जो चैनल में मैं लोगों को मदद करता हूँ, उसमें एक प्रश्न ये आया था जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। इन्होंने पूछा था, श्री गीता चौधरी जी ने पूछा था, फ़ोन से स्कैन करके किस तरह कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्कैनर नहीं मिला अभी तक और ई ऑफिस जल्दी से जल्दी यूज़ करने के ऑर्डर हैं, उनको आदेश हैं। तो देखिए, पहली चीज़ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये सिर्फ ई ऑफिस से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि ये ई ऑफिस जो है शासकीय कार्यालयों में इम्प्लीमेंट होता है, तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो एप्स जो हमें है उससे फाइल्स जो है हमारी वो विदेशों के सर्वर पे जाती है, तो एक तरह से तो ये तरीके गलत हैं। इसलिए आइडियली जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको ऑफलाइन अपने पास एक स्कैनर से इसको स्कैन करके कंप्यूटर पे सेव करना चाहिए, पर दैनिक जो हम एक्टिविटी करते हैं, अपने पारिवारिक लोगों को कुछ फाइल्स बना के भेजना होता है, डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है अर्जेंटली, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तकनीक का यूज़ करके, तो उसमें भी ये बहुत बहुउपयोगी है। तो ये जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अपने जोखिम पे करें, ये टोटली फ्री है, इसमें कहीं कोई हमें पैसा नहीं देना है, लेकिन जो डिफरेंट तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं उन तरीकों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आना है, और यूजुअली जैसे हम अपने प्ले स्टोर पे जाते हैं, हमें प्ले स्टोर पे जाना है, हमें अपने सर्च बॉक्स पे टाइप करना है एडोब स्कैन। एडोब स्कैन करके जो हमारा पहला रिजल्ट आ रहा है हमको, सॉरी, हमें पहला रिजल्ट फिर से मैं टाइप कर देता हूँ, एडोब स्कैन में जाएंगे तो ये पहला रिजल्ट जो आएगा वो एडोब स्कैन पीडीएफ आएगा। चूंकि मेरे में ये इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी कैम स्कैनर होगा या नहीं है तो आपने उसके बारे में सुना होगा, मेरा आपसे निवेदन है कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, उससे अच्छा ऐप, कम से कम उसी स्तर का ऐप ये एडोब स्कैन है। मेरे इस निवेदन के पीछे मेरी मंशा सिर्फ ये है कि कैम स्कैनर जो है एक चाइनीज ऐप है, हमें चाइनीज ऐप यूज नहीं करना है, हमें चाइनीज के प्रोडक्ट्स का यूज बिल्कुल नहीं करना है, हमें टोटल चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना है। तो एडोब स्कैन इसकी जगह यूज कर सकते हैं जब ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे मेरे में इंस्टॉल हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे ये बन के ये एडोब स्कैन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा माउस है वो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। अब देखिए इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कैमरा आ रहा है और एक आपके पास ये गैलरी का साइन बन के आ रहा है। गैलरी के साइन पे क्लिक करेंगे, इसका क्या यूज़ है मैं लगे हाथ बता देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है कि ये आपकी गैलरी खोल देगी, जो भी आपके यहाँ फोटोज वगैरह हैं, इमेजेस, तो आप किसी इमेज को भी सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया, तो ये अगर इमेज भी है तो मैं इसको एज अ पीडीएफ, अगर ये सेव पीडीएफ वाला जो लिंक आ रहा है इस पर सेव पीडीएफ करूंगा तो ये इस इमेज को भी पीडीएफ बना देगा, तो ये काफ़ी यूजफुल है। और जहां तक पहले मैं कैम स्कैनर यूज करता था, शायद उसमें ये ऑप्शन मेरी जानकारी में तो नहीं है। चलिए, अब हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हमको तो स्कैनिंग करना है भाई, तो हम इसको बंद करते हैं, इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ क्योंकि हमें अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने मेन उद्देश्य पे, ये जो कैमरे वाला साइन है इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने जो ये पेज, मैंने दो पेज ले लिया है, एक पे पेज एक लिख दिया है, एक पे पेज दो लिख दिया है। पेज एक पे जाता हूँ, फिर मैं इसकी वो फोटो लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन वो बाद में क्लियर कर देगा, उसको क्लिक करता हूँ मैं। ये मैंने क्लिक किया, ये पेज एक हो गया, ठीक है। इस पर फिर ये जो कंटिन्यू लिख के आ रहा है, इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक पेज रेडी हो गया। अगर हमें एक ही पेज स्कैन करना है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा पेज मान लीजिए करना है, तो मैंने ये पेज टू रखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज टू भी हमारा हो गया स्कैन। इसको हम यहाँ से, ये देखिए, मैं इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर करके साइज इसका फिक्स कर सकता हूँ कि नहीं भाई मुझे पूरा पेज चाहिए, कितना चाहिए, क्या है मेरी ज़रूरत, वो सबसे ऊपर नीचे करके फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे में दो ही पेज थे, 6 पेज, 10 पेज, 8 पेज, जो पेजेस हैं आप उस पर कर सकते हो। अगर आपका हो गया है काम तो ये जो ये वाली जो जगह है इस पर क्लिक करते हैं, तो ये वन बाई वन पूरे पेज दिखाएगा। अगर आपको इस पेज में देखिए बहुत सारे ऑप्शन देता है कि कोई क्रॉप करना हो आपको, क्रॉप करने, मान लीजिए क्रॉप किया, क्रॉप का मतलब ये पेज अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, नहीं भाई मुझे और लंबा पेज चाहिए था तो मैं यहाँ तक ले सकता हूँ,
नहीं मुझे छोटा चाहिए तो छोटा कर सकता हूँ, ये जानते होंगे बहुत सारे लोग, नहीं जानते तो इसलिए बता रहा हूँ। फिर इसको ऊपर ये जो राइट लगा है, अगर हम सेटिस्फाइड है अपनी सेटिंग से तो इस पर राइट कर दीजिए। फिर ये पेज एक हो गया, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ाइए। अब पेज टू पे आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर दीजिए, इसको मान लीजिए मुझे थोड़ा छोटा करना है, छोटा कर दीजिए, फिर राइट साइन पे क्लिक कर दीजिए, ये दोनों इसको आपके ओके हो जाएंगे अगर आप सेटिस्फाइड हैं। इसी तरह इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसको क्लीन अप, क्लीन अप बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए कुछ यहाँ पे कोई पेन वेन का निशान आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता, तो क्लीन अप से आप करते तो एक रबर की तरह वो उसको क्लीन कर देता। ये ऑप्शन भी मेरे ख्याल से कैनवा स्कैनर में नहीं था। फिर इसको सेव पीडीएफ पे क्लिक करिए, सेविंग एज पीडीएफ का मैसेज आएगा आपको, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अपलोडिंग टू डॉक्यूमेंट क्लाउड। ये प्रॉब्लम है बस यहाँ पे कि ये आपको एडोब के क्लाउड पे ले जाता है, ये उनका सिक्योरिटी होगी वहां पर चूंकि अगर ये हम गवर्नमेंट के अपने ऑफिस के काम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना ही उचित है। अदरवाइज क्या है, हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, कहीं उसका यूज शायद नहीं होगा, लेकिन एक सिक्योरिटी की बात है क्योंकि ये सर्वर जो होते हैं विदेशों में होते हैं। खैर अपना मुद्दा जो है उस पर आता हूँ। अब ये देखिए शेयर वाला बटन आ रहा है, शेयर वाली इस लिंक पे जाऊंगा तो देखिए दो ऑप्शन है, शेयर लिंक, ईमेल, शेयर अ कॉपी। तो आप इसको यहाँ पे शेयर लिंक कर देंगे तो अगर आप किसी को लिंक देंगे किसी भी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू, तो वो लिंक जब क्लिक करेगा तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ लिंक भेजनी पड़ी, पूरा डेटा नहीं भेजना पड़ा। दूसरा ऑप्शन ईमेल का है, नेचुरली ईमेल जैसे आप करते हैं। और थर्ड जो है शेयर अ कॉपी, जो मैं दिखाना चाह रहा था कि हमको तो कॉपी चाहिए, तो शेयर अ कॉपी किया अपन ने, कॉपी किया तो अपने पास जो भी माध्यम है, व्हाट्सएप है, जीमेल है, कॉपी टू अपने लोकल फोल्डर है, ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप अपनी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं जो भी ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं व्हाट्सएप करता हूँ, इसको व्हाट्सएप करके मैं अपने शिव को भेज देता हूँ, ठीक है ना, ये शिव को मैंने फाइल भेज दी, ये उसको चली गई। अब एक तो ये तरीका था, अब बात ये आती है कि मुझे अपने लोकल अगर मोबाइल में ही सेव करना हो, क्योंकि ये तो कहीं ड्राइव पे गया है, अगर लोकल सेव हुआ है कि नहीं आई एम नॉट श्योर। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये तीन डंडियाँ, सॉरी ये जो आपको ये मोर वाला दिख रहा है, तीन डंडियाँ, तीन डॉट्स दिख रहे हैं, इस मोर वाले तीन डॉट्स में आइए, कॉपी टू डिवाइस जो लिखा हुआ है, कॉपी टू डिवाइस, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया स्कैन 21 जून, ये सब करके सेव कर दिया। ये सेव हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। तो हम अपने होम स्क्रीन पे आते हैं, आपके में ये फोल्डर कहीं और हो सकता है, मेरे डेस्कटॉप पे है मोबाइल के, तो मैंने इस पे क्लिक किया, इस फोल्डर पे, इस फोल्डर पे क्लिक किया, फिर मैं डॉक्स में जाऊंगा, एक मिनट, मैं इस फोल्डर पे जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरी फाइल जो है मेरे उसमें सेव किया होगा एसडी कार्ड में। तो फिर इसमें एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, ये आपके में कहीं ना कहीं होगा, मिल जाएगा। तो देखिए इसमें एक एडोब स्कैन का फोल्डर आया, एडोब, इसको उनको क्लिक करूंगा तो ये हमारी स्कैन, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारी स्क्रीन खोल देगा। एक मिनट मैं इसको किसी और ऐप में खोल लेता हूँ, आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। तो देखिए ये पेज वन और ये पेज टू करके इसने एक सिंगल फाइल बना दी, दो पेज अलग अलग स्कैन किए थे मैंने, तो ये हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हमको ट्रांसफर करना है अपने डेस्कटॉप पे। तो देखिए तीन, एक तरीका ये था कि मैंने जब वो शेयरिंग करी फाइल तो मैं उसको, मैंने तो भेजा व्हाट्सएप पे, मैं उसको ईमेल भी कर सकता था अपनी ईमेल आईडी पे। अगर मेरी ईमेल आईडी xyz@gmail.com है तो मैं xyz@gmail.com से xyz@gmail.com को ही भेज दूँ, मतलब अपने को ही भेज दूँ, फिर जाके डेस्कटॉप पर अपने आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना जी। अपने ब्राउजर पे आ गया, ब्राउजर पे आके मैंने अपना जीमेल खोला और अपने जीमेल से मैं जाके वो फाइल निकाल सकता हूँ। मतलब इट्स ईमेल से तो हमें समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा व्हाट्सएप पे ही है, किसी ने और ने मुझे भेजा है, मैंने वो पीडीएफ नहीं बनाई, तो फिर मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, किसी और ने मुझे स्कैन करके भेजा है। तो फिर अब उसका सिंपल एक बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है व्हाट्सएप ने, web.whatsapp.com, आप टाइप करेंगे, ये स्पेलिंग देख लीजिए, WHATSAPP.com, इसको एंटर कर दीजिए। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आएगा आपके पास साइन, ठीक है ना, इसको क्यूआर कोड बोलते हैं, इसको स्कैन करना पड़ता है। अगर आप समझिएगा इसको थोड़ा सा, अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने व्हाट्सएप को जैसे खोलते हैं व्हाट्सएप खोलिएगा, और आपके जो टॉप राइट साइड में, मतलब दाएं हाथ में एकदम कॉर्नर में ऊपर साइड आप तीन डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ऐप वेब लिखा होगा, व्हाट्सएप वेब निकालेंगे तो एक कैमरा जैसा खुल जाएगा। बस आपको ये जो स्क्रीन आ रही थी इसको स्कैन करना है, मैंने देखिए इसको स्कैन कर लिया, तो ये इस तरह का प्रोसीड होगा, मेरा पूरा व्हाट्सएप वैसे का वैसा चलने लगेगा। अभी इसको देखते हैं।